हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल सुनीता साहू सी जी में आपका स्वागत है। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत शाम को कर रही हूँ अपने शाम वाली चाय। और ये है पकौड़े, मैं बना रही हूँ पालक के पकौड़े जिसमें मैंने राइस फ्लावर भी डाले हैं और बेसन भी डाले हैं, और उसी के साथ मैं बना रही हूँ पकौड़े। और आपका दिन अच्छा हो और अच्छा से बीते इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और आप सबको जय श्री राम। मैं मंदिर गई हूँ, मंदिर से आ गई हूँ और अब चाय बैठा हूँ और साथ साथ पकौड़े बना, तो बने रही मेरे ब्लॉग में। ठंड के मौसम में पकौड़े और चाय खाने का मज़ा ही अलग रहता है, इसीलिए मैं मंदिर जाने के पहले सारा रेडी करके गई थी क्योंकि आके मैं चाय और पकौड़े बनाऊँगी, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दी है बनाना। तो बने रही मेरे ब्लॉग में। पकौड़ा रेडी है, ठंडे ठंडे में चाय पकौड़े सास को भी दे दूँ और मैं भी लिखा लूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहीं पे बैठ के खाना, इसलिए मैं यहीं पे बैठ के खा रही हूँ। बहुत अच्छा बनी है। चाय के साथ डिप करके खाने से और मज़ा आता है। तो आपसे मैं खा के मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, बने रही मेरे ब्लॉग में। तो अब हमारे डिनर की तैयारी हो रही है और मैं बना रही हूँ रोटी और सब्जी में हमने बनाया है बंद गोभी, पत्ते वाली सब्जी है, मटर आलू डाल के। तो चलिए बनाते हैं रोटी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे हो चुका है और मैं अपने दिन की शुरुआत बेटे के टिफिन मैगी से बना रही हूँ और साथ साथ आप देख रहे हैं ये रोटी जो गाय के लिए निकाली हूँ। आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में, आप सबका दिन अच्छा हो और आपको जय श्री राम। और अब से मेरा ब्लॉग स्टार्ट होगा और मैं बना रही हूँ बेटा के लिए टिफिन। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। मेरे को मैगी में कुछ नहीं डाली है, कुछ प्याज और मिर्च वाली बना रही हूँ। तो देख सकते हैं मेरा मैगी बनकर आ गया है। मॉर्निंग में गर्म पानी पीती वो भी हो गया, हस्बैंड पिकनिक जा रहे हैं उसमें चाय बन रही है। अब मैं उसके बाद अपना नाश्ता बनाऊंगी थोड़ी देर बाद, पहले बेटा को टिफिन दे देती हूँ। तो हमारा मैगी बन के रेडी हो गया, उसे खा के जाना है। अब इसे करते हैं पैक। अब मैं पीने जा रही हूँ गर्म पानी, तो उसके बाद थोड़ी देर बाद मिलते हैं, बने रही मेरे ब्लॉग। अब देख सकते हैं मैंने पालक निकाली है, पालक बनाऊँगी। तो चलिए बनाते हैं पालक की सब्जी। देख सकते हैं मेरी पालक सब्जी बन गई है और यहाँ पे दूध गर्म हो गया है और यहाँ पे है ढेर सारा बर्तन जो मुझे अभी मलना है। तो आपको मैं बर्तन मल के थोड़ी देर में, बने रही मेरे ब्लॉग में। हाथ धो के रेडी हो गई हूँ और देखिए मैं नाश्ता लेकर पालक सब्जी और रोटी। तो चलिए खाते हैं। मैं अपने जगह पे आके बैठ गई हूँ क्योंकि मुझे यहीं पे खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहीं पे खाती हूँ। तो अब मैं आपको मिलती हूँ खा के, बने रही मेरे ब्लॉग पे। हेलो गाइस, तो देख रहे हैं मैं धूप में बैठी हूँ क्योंकि बहुत ठंडा है। अपने बालकनी में चारों साइड कपड़ा है, फिर भी थोड़े से धूप में बैठ के करती हूँ। अभी मेरा लंच भी रेडी नहीं हुआ है, लेकिन क्या करूँ, ठंड की वजह से मुझे धूप में बैठना पड़ रहा है। तो ठीक है, बन थोड़ी देर बाद फिर आपसे मिलते हैं। तो देखिए हमारा लंच का रेड तैयारी हो गया है और मैं बनाई हूँ मिक्स दाल और चावल और पालक की सब्जी है जो सुबह बनाई थी, और साथ ही साथ मैंने चावल ही बैठा दिया है। चलिए थोड़ी देर में करते हैं लंच। लंच करने से पहले मैं कर लेती हूँ उनको दूसरे बर्तन में शिफ्ट, उसके बाद आप सीखते हैं। तो चलिए करते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे शिफ्ट कर लिया है और अब इसे करती हूँ ढक देना। अब फटाफट में चावल भी बन गई है और उसके बाद हमारा लंच रेडी हो गया है। मेरा बेटे का लंच स्टार्ट हो रहा है। तो हमें मिक्स दाल है, चावल और नींबू। तो चलिए खाते हैं। नींबू डाल के चावल के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए लंच करने के बाद मिलते हैं।
देख सकते हैं मेरा लंच हो गया है। अब जो बर्तन उसे मलूंगे और साथ साथ अपना ब्लॉग करती हूँ। एंड आपको मेरे चैनल अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको देखना क्या अच्छा लगता है। ओके बाय।